हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं। ये सभी में पूछे जाते हैं, चाहे TGT आर्ट हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं और ये वीडियो एंड तक देखें। और जिन फ्रेंड्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें चैनल। और मैंने कल भी ये वीडियो डाली थी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लें। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम, भारत की संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ किया कब, जो है उन्होंने कार्य करना जो है प्रारंभ किया था, तो वो था 9 दिसंबर 1946 से जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इंडिया की, उन्होंने फंक्शनिंग जो है स्टार्ट की थी। तो एक और क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, हु इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो टेम्परेरी चेयरमैन थे जो फर्स्ट थे, बट टेम्परेरी थे, जो टेम्परेरी चेयरमैन थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये टेम्परेरी थे बट फर्स्ट चेयरमैन थे। और उसके बाद आए थे जो परमानेंट चेयर थे, हु वाज़ द, पूछ सकते हैं हु वाज़ द परमानेंट चेयरमैन ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये परमानेंट चेयरमैन थे इसके, परमानेंट चेयरमैन थे। और एक और क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन हैं, तो वो हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और सेकंड जो है एक ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है मेनली एक ग्रुप होता है पीपल्स का, उसी टुगेदर जो इकट्ठे बैठते हैं टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक रूपरेखा देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो कमेटी बैठती है उसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो है कब सेटअप हुई थी, ये हुई थी 29 अगस्त 1947 को, और इसमें जो है 7 मेंबर जो हैं बैठे थे। तो मैं सिंपल लिख देती हूँ यहाँ पे, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग जो हमारे पास कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसमें जो है ये कब सेटअप हुई थी, ये हुई थी 29 अगस्त 1947 को। और इसके चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन वो थे बी आर अम्बेडकर जी, अम्बेडकर जिनको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज़ द चेयरमैन ऑफ ए ड्राफ्टिंग कमेटी, ये कब सेटअप हुई थी और कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे इसमें टोटल, 7 मेंबर थे, ठीक है। और बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, कि भारत के द्वितीय विधि अधिकारी रूप में कौन जाने जाते हैं, तो वो ये हैं सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के सोलिसिटर जनरल को जो है सेकंड लॉ ऑफिसर बोलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु इज़ द प्रेजेंट सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो जो अभी सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो हैं तुषार मेहता, तुषार मेहता, ये इम्पोर्टेंट है, ये पक्का आप याद रखें। और जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, वो होता है अटर्नी जनरल, अटर्नी जनरल इज़ द, सॉरी, जनरल इज़ द, ये है फर्स्ट लॉ ऑफिसर है, इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोलते हैं। और प्रेजेंटली कौन है हमारे अटर्नी जनरल, ये है बी सॉरी के
वेणुगोपाल जी। तो ये पूछ सकते हैं, एक तो ये पूछ सकते हैं, हु इज़ नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, अटर्नी जनरल, सेकंड लॉ ऑफिसर, सोलिसिटर जनरल, और प्रेजेंट सोलिसिटर जनरल कौन से हैं? तुषार मेहता हैं, और अटर्नी जनरल हमारे पास कौन है? के वेणुगोपाल जी प्रेजेंट हमारे अटर्नी जनरल हैं। तो इनका मेनली जो अटर्नी जनरल होता है वो मेनली क्या, उनका काम क्या होता है, वो प्रोवाइड करते हैं लीगल एडवाइस टू द गवर्नमेंट, और जो सोलिसिटर जनरल होता है उनको जो है कोर्ट में अपियर होना पड़ता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट के बिहाफ में, तो उनको कोर्ट में अपियर होना पड़ता है, और ये जो है लीगल एडवाइज़र होते हैं, ये लीगल एडवाइज़र होता है, चीफ लॉ ऑफिसर भी बोलते हैं इसको, फर्स्ट लॉ ऑफिसर या चीफ लॉ ऑफिसर भी इसी को बोलते हैं, अटर्नी जनरल को ही। नो नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाई द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू द लोकसभा, कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा अंगल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत किया जाता है? तो सबको ये पता होता है कि एंग्लो इंडियन के कितने नॉमिनेट होते हैं लोकसभा के, बट ये नहीं पता होता कि एंग्लो इंडियन कौन से होते हैं। तो मेनली जो है ये ग्रुप होता है टू पीपल का, जो मेनली जो है मिक्स्ड इंडियन और ब्रिटिश एंसेस्टर होते हैं जिनके, या जिनको हम बोल देते हैं ब्रिटिश और भारतीय मूल के लोग जो हैं उनको हम एंग्लो इंडियन बोल देते हैं। तो लोकसभा की, मैंने अभी आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो सिर्फ एक बच्चे का ही रिप्लाई आया और किसी का नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं, जो लोकसभा की सीटें होती हैं, जो लोकसभा की सीटें होती हैं वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ उनकी 552 होती है, बट प्रेजेंटली जो है, क्योंकि अभी चुनाव होने हैं आपको पता, तो प्रेजेंटली लोकसभा की कितनी सीटें हैं, ये हैं 545 हैं, जिसमें से 543 इलेक्टेड हैं, इलेक्टेड हैं, प्लस जो 2 हैं वो एंग्लो इंडियन हैं, जो ये आपने बताई दिया, 2 नॉमिनेटेड हैं, नॉमिनेटेड हैं। उसी तरह अगर हम राज्यसभा की बात करें, जो राज्यसभा है उसमें मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है 250 होती है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 250, जिसमें से 238 जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं, 238 इलेक्टेड होते हैं, प्लस 12 जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, उसमें से 238 इलेक्टेड होते हैं और 12 जो है नॉमिनेटेड होते हैं, बट प्रेजेंटली कितनी सीटें हैं इसकी, 245 हैं, जिसमें से 233 इलेक्टेड हैं, प्लस 12 जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं, ठीक है, बट अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछा जाए तो 552 है, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है तो 250 हो सकती है, बट प्रेजेंटली अगर पूछा जाएगा तो 545 इसकी लोकसभा की है, और राज्यसभा की हमारे पास 245 है, ठीक है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर्स ऑफ द स्टेट्स आर वेस्टर्ड इन द, कि सरकार के संसदीय रूप स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं हम उनको कैबिनेट मिनिस्टर भी बोल देते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल सुषमा स्वराज जी हैं जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमण हैं जो हमारी डिफेंस मिनिस्टर हैं, अर्जुन जेटली जी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर ऑफ गवर्नमेंट, तो ये सारे के सारे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनको हम काउंसिल मिनिस्टर भी बोल देते हैं। तो इनके जो मेनली नेतृत्व होता है कौन करता है, वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी, ठीक है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो कौन सा प्रिंसि निम्न में से
क्या राज्य के नीति निर्देश के सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो वो है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो है वो राज्य के नीति निर्देश में शामिल नहीं है। तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन से जो है कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कब पास हुआ था और फोर्स में कब आया था। तो ये जो है पास हुआ था बाय पार्लियामेंट, कब हुआ था? 15 जून 2005 को, मतलब 2005 में मेनली जो है पास हुआ था। अगर ऑप्शन आती है 2005 तो 2005 लिख रहे हैं, बट अगर डेट आती है तो डेट आपको बतानी पड़ेगी। तो ये पार्लियामेंट के साथ पास हुआ था 15 जून 2005 को, बट जब फुली जो फोर्स में आया था, कम इनटू फोर्स, तो ये कब आया था? 12 अक्टूबर 2005 को। तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चाहे एचपी टेट हो चाहे कमीशन हो, उनमें पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास द पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन सी लिस्ट में ये इंक्लूडेड है? तो वो है स्टेट लिस्ट। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे पास 3 लिस्ट होती हैं। स्टेट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट है। तो जो स्टेट लिस्ट है उसको लिस्ट सेकंड भी बोलते हैं, लिस्ट सेकंड, और फर्स्ट जो है वो है यूनियन लिस्ट, और कॉन्करेंट जो है उसको थर्ड लिस्ट भी बोलते हैं। तो मेनली जो स्टेट लिस्ट है उसमें 61 आइटम्स हैं, और इसमें जो हैं 100 तक हैं, और इसमें 52 हैं, 52 आइटम्स हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट जो है मेनली जो हैं जो दोनों स्टेट और यूनियन की जो कॉमन होती हैं वो होती है इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, वो सब कॉन्करेंट लिस्ट में आता है हमारे पास। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डजेंट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन? निम्न में से किस शहरी स्थानीय स्वशासन इकाई का संवैधानिक आधार नहीं है? तो वो है हमारा कैंटोनमेंट बोर्ड, तो संचालक बोर्ड जो है उसका कोई आधार नहीं है। नेक्स्ट है द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई विच अमेंडमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि कौन से अमेंडमेंट में है जो हमारी फंडामेंटल राइट है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, जैसे राइट ऑफ फ्रीडम है, राइट टू एजुकेशन है, ये कौन से उसमें हैं? तो ये 42nd जो अमेंडमेंट है उसके अंडर आता है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट विल मीन्स ए विल इंट्रोड्यूस बाय, कि गवर्नमेंट विल का मतलब क्या है? तो वो विल जिसमें जो मिनिस्टर नहीं है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो किसी भी संसद के किसी भी मंत्री द्वारा जो है ऐड किया जाता है उसको हम गवर्नमेंट विल बोल देते हैं। इसको मेनली जो है गवर्नमेंट विल को जो है पब्लिक विल भी बोलते हैं, पब्लिक विल जो मिनिस्टर के द्वारा जो है ऐड किया जाता है उसको गवर्नमेंट बिल बोल देते हैं, ये पब्लिक विल। एक प्राइवेट विल भी होता है जो कि किसी अदर मेंबर मिनिस्टर्स को छोड़ के किसी दूसरे मेंबर के द्वारा जो अगर बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसको हम जो है प्राइवेट बिल बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रांटेड नीड्स आर प्रोवाइडेड एवरी ईयर टू सच स्टेट एज आर इन नीड ऑफ असिस्टेंट एज डिटरमाइंड बाय द, जिन राज्यों को उनकी सहायता की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है, इसका निर्धारण किया जाता है। कि ग्रांटिंग एड मेनली होता क्या है? ये मनी होती है, पैसा होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो लोकल गवर्नमेंट है उसको दिया जाता है किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, उसको हम ग्रांटिंग एड बोल देते हैं। मतलब जो सहायता दी जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी स्टेट को। तो ये जो है कौन डिटरमाइन करता है? जो हमारा वित्त मंत्र आयोग है, जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, वो डिसाइड करता है कि किस स्टेट को कितनी सहायता देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द इंटरमीडिएट टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम कॉल्ड? तो पंचायती राज सिस्टम के जो है 3 लेवल्स हैं, इसके मेनली 3 लेवल्स हैं। इंटरमीडिएट होता है बीच वाला। तो इसका जो फर्स्ट लेवल है उसमें आते हैं ग्राम पंचायत, जिसको हम विलेज लेवल बोलते हैं, विलेज लेवल भी बोल देते हैं, ठीक है। और सेकंड है हमारा ये
इंटरमीडिएट टायर, जिसको हम पंचायत समिति या मंडल परिषद भी बोल देते हैं, ये सेकंड लेवल है हमारे पास। सेकंड, एक तो पंचायत समिति बोल देते हैं, एक हम बोल देते हैं मंडल परिषद, परिषद या ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति, ये हमारा आता है ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे। ठीक है, तो लेवल भी पूछ सकते हैं, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल भी क्या है। और थर्ड एंड लास्ट वन है जिला परिषद, जिला परिषद जो आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो पंचायती राज सिस्टम के जो हैं थ्री लेवल्स हैं, थ्री लेवल्स आते हैं। फर्स्ट है ग्राम पंचायत, जो विलेज लेवल के आते हैं। सेकंड है इंटरमीडिएट टायर भी बोल देते हैं इसको, तो ब्लॉक लेवल है ये, जिसमें पंचायत समिति, मंडल परिषद, ब्लॉक समिति आती है। और थर्ड है जिला परिषद, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन वाज, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चेयरमैन था कौन थे? तो उनका नाम था एम बीरप्पा मोइली जी। एम बीरप्पा मोइली जी जो है वो सुधार आयोग के द्वितीय प्रशासनिक चेयरमैन थे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर इट, केंद्र व राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो विवादों के निर्णय की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अधीन आती है? तो वो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मूल क्षेत्राधिकार के अंडर आती है। तो ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट का जो है कि डिस्प्यूट हो जाता है सेंटर और स्टेट में, तो वो कौन से उसके अंडर आता है? तो वो मूल क्षेत्राधिकार के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं वो मेरी सारी वीडियोस देख लें, चाहे वो करंट अफेयर हैं, एचपी टेट है, सॉरी एचपी जीके हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक आना है। तो और कुछ एक फ्रेंड्स जो हैं ये भी बोल रहे हैं मैम पैडागोजी की भी वीडियो डालो। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे मैं सब कुछ ही डाल रही हूँ, बट जो डर रहे हैं उसे तो आप देखिए, अच्छे से पढ़िए और शेयर कीजिए। और मुझे पूरा ये ट्रस्ट है कि ये वीडियोस आपको हेल्प ही करेंगी, ऐसा कुछ नहीं मैं आपको पढ़ा रही हूँ जो यूज़लेस हो। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड हैव ए गुड डे।